नमस्कार, मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का टाइम ड्राइव शो में एक बार फिर से। और आज के शो में बात करेंगे साल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड गाड़ी के बारे में, लेकिन उसके अलावा क्या खास है आज के शो में, आइए जानते हैं। महिंद्रा थार रॉक्स इज फाइनली हियर और आज के टाइम ड्राइव शो में जानेंगे इसकी डिटेल्ड ड्राइव रिपोर्ट। और उसके बाद ओला की नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की पहली झलक, जानेंगे सब कुछ आज के इस शो में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम ड्राइव में एक बार फिर से। महिंद्रा की थार फाइव डोर रॉक्स फाइनली आज हमारे साथ है और गाड़ी को आप देख चुके होंगे, फीचर्स क्या है जान चुके होंगे, लेकिन अब इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में थार फाइव डोर रॉक्स जो है परफॉर्मेंस को लेके, कैपेबिलिटीज को लेके किस तरह से हमारा एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ रहा है, एंड ऑल्सो कुछ फीचर्स, कुछ एलिमेंट्स जो एड इस नई थार में हुए हैं उनकी बात करेंगे। बट ओवरऑल मोटा मोटा इस गाड़ी के बारे में आपको इस वीडियो में सब कुछ जानने को मिलने वाला है। शुरुआत करते हैं इस थार फाइव डोर रॉक्स के रिव्यू की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी दूसरी कतार से, क्योंकि यही जो स्पेस है यहां पर आपको जो थ्री डोर थार में मिसिंग मिल रहा था, यही वो स्पेस है जो अब इस थार फाइव डोर रॉक्स के अंदर देखने को आपको मिलने वाला है। तो स्पेस को लेके मामला किस तरह का है इस सेकंड रो में थार के अंदर, फाइव डोर के अंदर, यहाँ पे लेग रूम देखेंगे अच्छा खासा है। सीट्स को अच्छे से यहाँ कर्व करा गया था कि लेग रूम यहाँ पे ठीक ठाक पीछे बैठे लोगों को मिल सके, एंड थाई सपोर्ट भी मेरी हाइट के हिसाब से अच्छा खासा है। सीट थोड़ी सी आगे है, लेकिन इसको आप कर सकते हैं कुछ हद तक रिक्लाइन, तो इतने एंगल तक आप इसको ले जा सकते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। एंड बैक एंगल इसको पूरा रिक्लाइन करने के बाद काफ़ी अच्छा बन जाता है, थोड़ा सा बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ होगा, बट ओवरऑल यहाँ पे स्पेस को लेके मुझे लग रहा है मामला सॉर्टेड फील हो रहा है। हेडरूम भी आप देखेंगे सनरूफ होने के बावजूद भी देयर इज एम्पल स्पेस, एंड जो लंबी हाइट के लोग हैं मुझे लगता है उनको भी दिक्कत इन टर्म्स ऑफ हेड स्पेस या हेडरूम नहीं होने वाली है। सो ये स्पेस को लेके सेकेंड रो में मामला मुझे सही लग रहा है। यहाँ पे आर्मरेस्ट भी दिया गया है जिसमें आपको दो कप होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे। बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पे दो एसी वेंट्स दिए गए हैं, कुछ सामान रखने की जगह, एक USB-C चार्जिंग पोर्ट इधर दिया गया है, एंड यहाँ पे पिछले पैसेंजर्स के लिए फ़ोन के लिए भी स्लॉट्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको अलग से पॉकेट देखने को मिल रहा है दोनों सीट्स के पीछे, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सबसे मेन हाईलाइट जो है ये इसका पैनोरामिक सनरूफ, और साइज जो है इसका वाकई में काफी बड़ा है। खोलने के बाद भी काफी ज्यादा एरिया यहाँ पे जो इस सनरूफ का ओपन होता है वो भी मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ ओपन एरिया सनरूफ की बात करें इस सेगमेंट की SUVs जो आती हैं तो उनके हिसाब से साइज को लेकर मुझे लगता है आप बिल्कुल भी सनरूफ के निराश नहीं होंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है हेडरेस्ट जो है आपको सेंटर में फिक्स मिलता है, दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट पीछे आपको पैसेंजर्स के लिए मिल जाते हैं, और फ्रंट में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। चलते हैं पहली कतार में, क्या फीचर्स वहां देखने को मिल रहे हैं वो भी जानते हैं। सो इस थार रॉक्स की पहली कतार का हिसाब किताब क्या है वो भी एक बार देखते हैं, एंड यहां पे जो है आपको गाड़ी को ऑन करते हैं। पहले 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको यहाँ मिलने वाला है, एंड इसमें जो है आपको फीचर्स वगैरह की बात करूँ तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, हालांकि एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस है लेकिन इन एप्पल कारप्ले आपको अभी फिलहाल वायर्ड कनेक्टिविटी के साथ ही मिलने वाला है। इसके अलावा और फीचर्स की बात करें, होम पे जाते हैं तो यहाँ पे जो है इसमें आपको म्यूज़िक कनेक्टिविटी, एप्लीकेशंस वगैरह, एडवेंचर स्टैट्स, ये सब फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको ऑफ रोडिंग से रिलेटेड डेटा वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले इसके होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ और आइकन्स दिए गए हैं, 360 डिग्री कैमरा इसमें आपको मिलता है, एंड यहाँ पर जो है आप इसको 3D व्यू में भी कर सकते हैं चेंज, तो कुछ इस तरह से मामला यहाँ पर इसमें देखने को मिलता है। तो ये एंड ऑल्सो आप स्क्रीन भी कैप्चर कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट इज़ देयर इन दिस थार फाइव डोर। 3D में किस तरह का व्यू है वो भी एक बार आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेशन को लेके भी लैग वगैरह मुझे यहाँ पर स्क्रीन में नहीं फील हो रहा है, एंड क्वालिटी भी मुझे अच्छी खासी अभी फिलहाल यहाँ पे कैमरा की जो इसमें दी गई है यहाँ पर इसमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा नीचे आए तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बटन्स दिए गए हैं, जिनमें से दो का जो रोल है वो है वेंटिलेटेड सीट्स, पहली कतार के दोनों लोगों के लिए वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन दिया गया है, एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको ड्राइव मोड के जो ऑप्शन दिए गए हैं इसको मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आपको जिप, जूम एंड ऑफ रोडिंग के लिए स्नो, मड और सैंड जैसे
मोड आपको देखने को मिलेंगे। इसी को दबाने के बाद आप उनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है एंड नीचे आपको यूएसबी सी चार्जिंग पॉइंट, यूएसबी ए चार्जिंग पॉइंट और वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी इसके अंदर मिल जाता है। एंड मटेरियल की बात करूँ तो लेदर स्टिच का इस्तेमाल करा गया, हालांकि ये सब टॉप वेरियंट्स में होने वाला है, बट महिंद्रा यहाँ पर इस थार में वो ऑफर कर रही है। इन केस आप वो वाले वेरियंट्स लेने जा रहे हैं तो यहाँ पर वाइट स्टिचिंग वगैरह देखने को मिल रही है, क्योंकि इंटीरियर वगैरह सब इसका उसी तरह से दिया गया है। एंड लेदर ब्लैक यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड जो स्टीयरिंग है वो भी लेदर स्टिच दिया गया है एंड डोर्स में भी लेदर स्टिच वगैरह है, ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन है एंड पियानो ब्लैक का इस्तेमाल भी यहाँ पे इसके डोर पैनल्स वगैरह में करा गया है एंड एसी वेंट्स के आसपास एंड स्टीयरिंग कंट्रोल्स जो है वहाँ पर पियानो ब्लैक का इस्तेमाल करा गया है। तो कंट्रोल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिए गए हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल करने के बटन्स, जहाँ पे आपको कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट वॉइस कमांड के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। राइट साइड में है तो क्रूज कंट्रोल के बटन्स हैं, यहाँ पे आपको सेट करने का ऑप्शन मिलेगा एंड इसमें आपको मेन्यू कंट्रोल करने का बटन मिलेगा जो कि इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिया गया है एंड 10.25 इंच का ही इसमें फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आता है। जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फ्यूल इन्फो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन वगैरह आप देख सकते हैं एंड ऑल्सो यहाँ पे जो डिस्प्ले वगैरह है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स में आपको मिलते हैं इसके ADAS लेवल 2 के फीचर्स एंड यहाँ से आप इनको एक्सेस कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो एमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, स्मार्ट पायलट असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, ये सब फीचर्स आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएंगे इसके ADAS लेवल 2 के अंदर जो फीचर्स आते हैं। तो ये कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पर इस थार 5 डोर की पहली कतार को लेकर। यानी बटन्स देख रहे हैं यहाँ पे, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का है, हिल डिसेंट का है, ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन दिया गया है एंड पार्क असिस्ट वगैरह का ऑप्शन भी यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाता है और ऑटो हेडलैम्प्स भी यहाँ पर इसमें आपको दिए जाते हैं इस थार 5 डोर रॉक्स के अंदर। एंड साउंड सिस्टम की बात करें तो हर्मन कार्डन का 9 स्पीकर्स का साउंड सिस्टम इसमें दिया गया है एंड इट डज साउंड रियली गुड। मैंने सुना इसको काफ़ी देर, अलग अलग ट्रैक मैंने सुने, अलग अलग इसको मोड चेंज करके जो ऑप्शन होते हैं इक्विलाइजर में वहाँ पर चेंज करके भी सुना तो साउंड वाकई में काफ़ी अच्छा है। आपको सुना नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट वगैरह का सीन हो सकता है, बट ओवरऑल मामला स्पीकर्स को लेकर मुझे सॉर्टेड यहाँ पर फील हुआ एंड सीट्स भी मुझे लग रहा है यहाँ पर कंफर्टेबल पहली कतारें फील हो रही हैं। बोल्स्टरिंग भी अच्छी खासी यहाँ देखने को मिल रही है। अब इंटीरियर को लेकर बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे लाइव के दौरान भी, जो हमने इसका लाइव किया था और कुछ लोगों ने पहले भी इसके जब स्पाई शॉट्स वगैरह या कुछ टीजर्स वगैरह देखे थे तब भी बोला था इसका जो लाइट कलर का इंटीरियर है वो इसकी ऑफ रोडिंग वाले एलिमेंट के साथ जाता हुआ नहीं दिखाई देता, ये बहुत जल्दी गंदा होने वाला है एंड कुछ हद तक हमारी आज की ड्राइव के दौरान इस यहाँ पे कलर पे आप देखेंगे थोड़े बहुत दाग धब्बे भी पड़ने शुरू हो गए। हालांकि ये सब वॉशेबल है बट स्टिल आई मीन कितनी बार आप वॉश कराएंगे छोटे छोटे दाग जो पड़ेंगे बट वो लॉन्ग टर्म में थोड़ा ज़्यादा गंदा और होगा। बट मुझे लगता है कुछ और कलर कॉम्बिनेशन के ऑप्शन भी होने वाले हैं। अभी महिंद्रा ने सारे वेरिएंट्स की अनाउंसमेंट नहीं की, ये एक्सेसरीज वगैरह या किस तरह का कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर आप और ऑप्ट कर सकते हैं इसके लिए तो वो भी ऑप्शन आई थिंक महिंद्रा थार में देगी, बट अभी फिलहाल ये कलर कॉम्बिनेशन के साथ मुझे लगता है थोड़ा सा मामला गंदा जरूर जल्दी होने वाला है। एंड डो पैच की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 1 लीटर की बॉटल मुझे लगता है रखना थोड़ा मुश्किल होगा। अभी ये छोटी सी टाइनी सी बॉटल रखी हुई है लेकिन 1 लीटर की बॉटल के लिए मुझे लगता है प्रॉपर स्पेस वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा तो वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज इन केस अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, आर्मरेस्ट 2 भाग में डिवाइडेड है, हालांकि खुल इकट्ठे ही जाता है, थोड़ा सा स्पेस इसके नीचे दिया गया है एंड यहाँ पर ड्राइवर के लिए ये स्लाइडेबल ऑप्शन के साथ आता है। पैसेंजर के लिए फिक्स है, ड्राइवर के लिए स्लाइडेबल ऑप्शन के साथ ये आता है। तो मामला ओवरऑल कुछ है एंड ग्लव बॉक्स भी फटाफट दिखाता हूँ आपको तो थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ ग्लव बॉक्स में देखने को आपको मिल जाएगा एंड कूल्ड ग्लव बॉक्स यहाँ पे इसमें महिंद्रा ऑफर कर रही है एंड यहाँ पे महिंद्रा की ये मेड इन इंडिया विद प्राइड जो थार में ऑलरेडी हम देखते हैं 3 डोर में भी तो कुछ इस तरह से ये प्लेट आपको देखने को मिल जाएगी। इंटीरियर की बात होगी, अब फटाफट बात करते हैं एक्सटीरियर की, फिर चलते हैं इस महिंद्रा थार रॉक्स की ड्राइव पर। अब एक्सटीरियर की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्रंट में जो आफ्टर मार्केट वाला काम बहुत से लोग कराते थे 3 डोर थार लेने के बाद, आपको वैसे ही सी शेप आपको DRL सीट को मिल जाएंगे, LED एंड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं एंड यहाँ पर भी मामला आपको सेंटर में जो ग्रिल है इसका 6 स्लैट ग्रिल दिया गया है, 6 पैक ग्रिल जिसे महिंद्रा बोल रही है एंड ये भी बॉडी कलर कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर आता है। महिंद्रा की बड़ी सी पैजिंग या सेंटर में देखने को मिल जाएगी एंड फ्रंट में आपको सेंसर्स भी देखने को मिल जाएंगे, एक यहाँ दिया गया है और एक यहाँ पे, 2 सेंसर्स देखने को मिलते हैं। ड्यूअल टोन में कॉम्बिनेशन में इसका फ्रंट बम्पर दिया गया है जो थोड़ा सा रीडिजाइन भी है, ब्लैक और ग्रे टोन का इस्तेमाल करा गया है। सेंटर में आपको कैमरा मिलता है, 360 कैमरा की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ADAS वाले फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलते हैं इसमें 19 इंच के अलॉय व्हील्स, 255 सेक्शन के व्हील्स आपको इसमें मिलते हैं। हमारे आपकी वॉन्डर टायर्स हैं, ऑल टेरेन टायर्स दिए गए हैं, बट ओवरऑल मामला यहाँ पे देखेंगे प्रोपोर्शन को लेके ऑफकोर्स मामला बढ़ गया है, तकरीबन 330
मिलीमीटर के आसपास इसकी जो लेंथ है वो बड़ी है एंड इसकी विड्थ भी पहले से बड़ी है एंड इसकी हाइट भी पहले से बड़ी है एंड ओवरऑल व्हील बेस तो ऑफकोर्स 5 डोर है क्योंकि तो वहां पर व्हील बेस में भी इसके इंक्रीमेंट हुआ है, तो वो भी एक चीज चेंज आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगा। अब डायमेंशन को लेकर हालांकि मामला बड़ा है, लेकिन एक एलिमेंट आप देखेंगे यहाँ पे जो इसका सेकेंड रो ऐड करा गया ये डोर के ऊपर, आप कुछ इस तरह से ये ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे। डिज़ाइन यहाँ पे कुछ लोगों को आई थिंक पसंद आए ये शायद ना आए, क्या ओपिनियन आपका है? मुझे ठीक ठाक लग रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है अपीलिंग यहाँ पर इसका साइड प्रोफाइल का डिज़ाइन ओवरऑल नहीं लग रहा है, स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट। एंड ऊपर भी जो है रूफ में फाइबर का इस्तेमाल करा गया है, मेटल का इस्तेमाल नहीं करा गया है एंड सॉफ्ट टॉप का ऑप्शन जो है वो भी इसमें आपको नहीं मिलने वाला है क्योंकि सनरूफ है तो उस हिसाब से इसको डिज़ाइन करा गया है, तो वो सॉफ्ट टॉप वाला ऑप्शन भी आपको इस थार 5 डोर के अंदर महिंद्रा देने नहीं जा रही है। एंड साइड में आए तो डोर हैंडल्स जिस तरह से फ्रंट का दिया गया है एंड सेकेंड रो का डोर हैंडल है वो ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से यहाँ पर खुलता है एंड थर्ड जो है साउंड जो है काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो सॉलिड फील भी यहाँ पर इसके डोर्स को बंद करने के बाद आ रही है एंड यहाँ पे एक वाटर ग्लास एरिया वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा इसके पीछे की तरफ। अब रियर की बात करें तो यहाँ पे टेल लाइट आपको एलईडी मिलती है, रिवर्स की लाइट और इंडिकेटर की जो लाइट है वहाँ पे हैलोजन बल्ब देखने को मिलेगा, सेंसर्स दो पीछे की तरफ भी दिए गए हैं, ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन रियर बम्पर में भी है एंड यहाँ पे ऑटोमेटिक की बैजिंग, मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों के ऑप्शन रहने वाले हैं एंड रिवर्स कैमरा जो है यहाँ पर इसका आपको देखने को मिलेगा, व्हील के हब में ही जो स्पेयर व्हील है उसके हब में ही यहाँ पे बीच में सेंटर में रिवर्स कैमरा इसका दिया गया है एंड स्टॉप लाइट वगैरह ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं। अब बूट स्पेस कैसा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, गाड़ी बड़ी हुई है, साइज़ बड़ा हुआ है, हमारा ही कुछ सामान यहाँ पे रखा है, तो तकरीबन अगर फ्लैट स्पेस की बात करें तो 447 लीटर्स के आसपास का स्पेस यहाँ पे इसके बूट में देखने को मिलता है एंड हाइट के हिसाब से भी अगर बूट स्पेस को कवर करें तो 650 लीटर के आसपास का बूट स्पेस ओवरऑल इस 5 डोर थार के अंदर आपको देखने को मिलेगा एंड साइज़ के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा बहुत सामान जो हमने रखा हुआ है अगर हाइट का भी प्रॉपर आप यूज़ कर पाते हैं, आई डोंट नो कैसे कर पाएंगे वर्टिकली कितना सामान आप रख पाते हैं, बट यहाँ पे अगर 450 लीटर का जो स्पेस दिया गया है फ्लैट जो स्पेस है तो उसके हिसाब से मुझे लगता है डिसेंट स्पेस है, कम बिल्कुल नहीं है। अभी भी आप एक दो और ट्रॉलीज जो कैबिन ट्रॉलीज होती हैं वो आराम से यहाँ पर रख सकते हैं और कैरी बैग जो होते हैं वो भी मुझे लगता है एक दो और यहाँ पर आसानी से अभी भी आ सकते हैं। तो ये कुछ ओवरऑल डिटेल्स हैं इस महिंद्रा रॉक्स को लेकर इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर इंटीरियर फीचर्स जो इस नई थार 5 डोर में ऑफर महिंद्रा कर रही है। अब इंजन ऑप्शंस पेट्रोल डीजल दोनों के रहने वाले हैं, मैनुअल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दोनों का ऑप्शन रहने वाला है एंड इसके साथ साथ रियर व्हील ड्राइव और 4x4 का ऑप्शन भी महिंद्रा इस थार में दे रही है। तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस थार के ओवरऑल ड्राइव एक्सपीरियंस की, किस तरह का हमारा इसके साथ रहा है। तो बात करते हैं इस महिंद्रा की नई थार रॉक्स के परफॉर्मेंस को लेकर, ड्राइव और हैंडलिंग ओवरऑल कैसा इसके साथ मुझे देखने को मिला है। तो इंजन ऑप्शंस की बात करें तो 2 लीटर का इसमें पेट्रोल इंजन का ऑप्शन है और 2.2 लीटर का इसमें डीजल इंजन का ऑप्शन है। पेट्रोल के साथ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉक कन्वर्टर ऑटोमेटिक का ऑप्शन रहेगा, डीजल के साथ भी आपको दोनों मैनुअल और 6 स्पीड टॉक कन्वर्टर का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। महिंद्रा थार रॉक्स को मुझे दोनों ही माहौल में चलाने का मिला, सिटी में काफी देर इसको चलाने का मौका मिला लेकिन ऑफरोडिंग के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं मिला एंड वहां पर महिंद्रा ने जो ऑब्स्टिकल तैयार किए थे वहां पर महिंद्रा के खुद के ड्राइवर्स ही उन गाड़ियों को चला रहे थे, लेकिन किस तरह से गाड़ी अप्रोच डिपार्चर एंगल हैं जो ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं तो वो ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस करने को मिला। तो वहां पर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज की बात करूं तो मुझे लगता है यहाँ पर महिंद्रा की थार खरी उतरती है। तो जिन जिन ऑब्स्टिकल्स पर भी हमने इसको एक्सपीरियंस किया तो वहाँ पर गाड़ी कहीं भी किसी भी तरह से स्ट्रगल करती हुई नहीं दिखाई दी एंड स्पेशली इसमें एक और जो फीचर इंट्रोड्यूस करा गया है क्रॉल स्मार्ट वाला, तो वहाँ पर बिना एक्सलेशन दबाए या बिना ब्रेकिंग का इस्तेमाल किए आप सिर्फ गाड़ी में बैठे रहिए और स्टीयरिंग कंट्रोल करिए एंड गाड़ी मैक्स 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या उससे कम जितनी भी रिक्वायर्ड होगी उस ऑब्स्टिकल से निकलने के लिए वहाँ पर वो उसको ऑटोमेटिकली सेंस करेगी एंड उस ऑब्स्टिकल से आपको उस सिचुएशन से वो बाहर अपने आप निकालेगी। तो ये एक नया फीचर क्रॉस स्मार्ट वाला काफ़ी फायदे का या काफ़ी काम का इस महिंद्रा की थार रॉक्स में मुझे देखने को मिला है। इसके अलावा एक इंटेलीटर्न वाला भी फीचर है जो महिंद्रा ने इसमें दिया है एंड दोनों ही फीचर मुझे अच्छे से उस ऑफरोडिंग वाले माहौल में काम करते हुए दिखाई दिए हैं। अब हालांकि महिंद्रा ने सिर्फ अभी इसके रियर व्हील ड्राइव वाले जो वेरिएंट्स हैं उन्हीं के प्राइस अनाउंस किए हैं, 4x4 के प्राइस अभी अनाउंस नहीं करे गए हैं, लेकिन 4x4 को एक्सपीरियंस करा है हमने तो एक छोटा सा इशू मुझे वहां पे लगा है वो है उसके व्हील बेस के बढ़ने से
आई थिंक अप्रोच एंगल जो है थोड़ा सा मे भी कुछ सिचुएशन में इन केस अगर आप हार्ड कोर ऑफ रोडिंग करने के शौकीन हैं तो वहाँ पर मे भी कभी कभार गाड़ी नीचे ज़रूर लग सकती है। एंड हमारे साथ भी वैसा ही कुछ हुआ, कुछ एक आध ऑब्स्टेकल पर गाड़ी अप्रोच के टाइम में नीचे से ज़रूर लगती हुई दिखाई दी थी। तो मे बी बिकॉज ऑफ लॉन्गर व्हील बेस कुछ ऐसी सिचुएशंस में आपको ये भी इस थार रॉक्स के साथ फेस करना पड़ता है। और ऑब्स्टेकल्स में वाटर वेडिंग कैपेसिटी वगैरह भी टेस्ट करने का मौका मिला जो कि 650 मिलीमीटर की है, तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। अब सिटी परफॉर्मेंस की बात करें तो वहां पर भी तकरीबन 2-3 घंटे के आसपास सिटी में मैंने चलाया एंड गाड़ी के परफॉर्मेंस, सस्पेंशन सेटअप, सीट्स के कंफर्ट को ओवरऑल भापने का अच्छे से मौका भी मिला। तो परफॉर्मेंस शुरुआत करते हैं, तो वहां पर डीजल वेरिएंट हमारे साथ था तो परफॉर्मेंस को लेकर भी कोई दिक्कत मुझे गाड़ी में नहीं हुई। जैसे ही आप एक्सीलरेटर पर पैर रखते हैं तो शुरुआत से ही पावर डिलीवरी और टॉर्क जो है अच्छा खासा निकलता है। इस साइज और इस वेट की गाड़ी को खींचने के लिए पावर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो इसका ये इंजन वाकई में डिलीवर करता हुआ दिखाई देता है, और वो एरिया मुझे परफॉर्मेंस को लेकर इस थार रॉक्स में सॉर्टेड महसूस हुआ। यस, तेज़ रफ्तार में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा वो बाउंसी राइड ज़रूर मिलने वाला है। अगर अनइवन थोड़े रोड पे आप जा रहे हैं तो वो भी एक सिचुएशन रहने वाली है, लेकिन मैं कहूँ कि 3-डोर थार के मुकाबले वो जो बाउंस वाला फैक्टर था वो थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि सस्पेंशन जो है वहाँ पर भी ट्यूनिंग थोड़ी चेंज करी गई है, थोड़ा सा सॉफ्टर करा गया है। तो ये भी कुछ फैक्टर हैं जो इसके बाउंस वाले एलिमेंट को थोड़ा रिड्यूस ज़रूर कर पाए हैं, बड़ा व्हील बेस लेंथ बड़ी होने या हाइट ज़्यादा होने के बावजूद भी, तो वो थोड़ा बहुत फील होता है, लेकिन पहले 3-डोर के मुकाबले थोड़ा कम ज़रूर देखने को मिलता है। अब आते हैं कम्फर्ट वाले फैक्टर पर। अब थार का जो DNA है वो ऑफ रोडिंग वाला है, और ऑफ रोडिंग वाले माहौल में ऑफकोर्स आप उस तरह का कंफर्ट नहीं महसूस कर पाएंगे, लेकिन अगर आप सिटी में चला रहे हैं और स्पेशली आपने इसका रियर व्हील ड्राइव वाला वर्जन लिया है तो मुझे लगता है वहाँ पर जो है कंफर्ट जो सीट्स में दिया गया है, सस्पेंशन जिस तरह से गड्ढों को एब्जॉर्ब करता है, ब्रेकर्स को एब्जॉर्ब करता है, तो वो भी एक फैक्टर मुझे लग रहा है, एक और एड ऑन इस थार के अंदर अब हो गया है। तो कंफर्ट को लेकर भी महिंद्रा ने अच्छा काम इस पे किया है। अब इसके अलावा एक और जो मेजर एलिमेंट इसमें ऐड हुआ है वो है इसके ADAS लेवल 2 के फीचर्स। अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह मैंने इस्तेमाल किया, परफेक्टली काम कर रहा था, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं हुई। ऑटोमेटिक एमरजेंसी ब्रेकिंग इंडिया में मुझे लगता नहीं किसी काम की है, तो मैंने उसको यूज़ भी नहीं किया, लेकिन इसके अलावा जो भी और फीचर्स ADAS में इसमें दिए गए हैं वो परफेक्टली काम कर रहे थे। लेन कीप असिस्ट वगैरह के जो फीचर्स वो भी अच्छे से काम करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो कोई दिक्कत मुझे अभी फिलहाल वहाँ पर इन टर्म्स ऑफ ADAS सॉफ्टवेयर इसमें देखने को नहीं मिली है। बट अंत में अगर बात करें ओवरऑल एज अ कंक्लूजन, ओवरऑल एज अ पैकेज, महिंद्रा ने जो कीमतें अनाउंस करी हैं इसकी स्टार्ट हो रही हैं 13 लाख से पेट्रोल वेरिएंट के लिए, और अभी जो टॉप वेरिएंट है डीजल का उसका प्राइस जो भी रखा गया है ये सारे रियर व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट्स ही हैं, 20.5 लाख एक्स शोरूम प्राइस उसका रखा गया है। तो ये कुछ प्राइजेस अभी सिर्फ रियर व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट्स के महिंद्रा ने अनाउंस करे हैं 4x4 के, जल्द ही मुझे लगता है बुकिंग्स के आसपास महिंद्रा अनाउंस करेगी। बट ओवरऑल प्राइसिंग के हिसाब से अगर देखें और जिस तरह का पैकेज अब ये नई थार रॉक्स बन गई है, फीचर रिच हो गई है, कैपेबिलिटीज़ की बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल जैसे फीचर्स इस थार रॉक्स में महिंद्रा ऑफर कर रही है, ADAS लेवल 2 के फीचर्स हैं, एंड डिज़ाइन को लेके यस मे भी थोड़ा मामला सब्जेक्टिव है, साइड प्रोफाइल मुझे उतना इम्प्रेसिव नहीं लगा, बट अगर ओवरऑल बात करें एज अ पैकेज की और प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है चाहे इसका आप रियर व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट लें या फिर 4x4 वेरिएंट लें, तो उस हिसाब से ओवरऑल पैकेज की बात करें अगर प्राइसिंग 4x4 की सॉर्टेड रहती है तो मुझे लगता है महिंद्रा की ये थार रॉक्स एक केपेबल ऑफ रोडर होने के साथ साथ एक अफोर्डेबल प्रीमियम गाड़ी होने का एहसास भी आपको जरूर दे सकती है। शो में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार एक क्विक रिपोर्ट ओला की लेटेस्ट और हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स को लेकर। मिलते हैं ब्रेक के उस पार। सो वेलकम टू टाइम्स लाइक गाइस, मेरा नाम है आयुष और आज हमारे साथ है ओला की तरफ से लॉन्च हुई हुई 3 बाइकें। आज दोनों ने 3 बाइक्स को लॉन्च कर दिया है, विच इज रोडस्टर, रोडस्टर एक्स और रोडस्टर प्रो। 3 बाइकों को ओला ने लॉन्च कर दिया है जिसके प्राइसेस जो रखे हैं वो है 75,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक। अब ये जो बाइक है ये है रोडस्टर। अब इसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या आपको इसके अंदर मिलने वाला है, क्या फीचर्स मिलने वाले हैं और क्या प्राइस आपको इस बाइक का मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब अगर फ्रंट से देखते हैं तो इस तरह का आपको डिजाइन जो है दिखाई देने वाला है। यहाँ पर आपको फ्रंट में अलॉय व्हील मिल जाते हैं, 7 इंचेस के टायर मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको जो है डिस्क ब्रेक इसके अंदर जो है मिलने वाले हैं। इसके अंदर आपको 3 बैटरी पैक ऑप्शन मिलने वाला है, विच इज 3.5 किलोवाट, 4.5 किलोवाट और 6 किलोवाट आर का इसके अंदर बैटरी पैक जो है मिलने वाला है।
फास्टेस्ट बाइक कमेटर सेगमेंट में होने वाली है। ऐसा ओला कहता है 0 to 40 जस्ट 2 सेकंड में ये बाइक जाने वाली है। 126 किलोमीटर पर आर की इसकी टॉप स्पीड ओला क्लेम करता है और 248 किलोमीटर की इसकी जो है रेंज आपको दिखाई देने वाली है। 4 राइडिंग मोड्स में आपको मिलने वाली है, विच इज हाइपर, स्पोर्ट, नॉर्मल एंड इको। इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल मिलने वाला है, पार्टी मोड मिलने वाला है, असिस्टेंट, स्मार्ट वॉच ऐप, ये सब चीज़ें आपको इसमें फीचर्स के तौर पे मिल जाती हैं। इसके अगर प्राइसेस के बारे में बात करें तो रोडस्टर आपको स्टार्टिंग प्राइस में 1,05,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, जो कि इसका 3.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक के साथ आती है और साथ साथ 6 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जो इसके अंदर मिलने वाला है वो मिलने वाला है 1,40,000 रुपये में। और इसकी बुकिंग आप आज से ही करा सकते हैं, लेकिन आपको ये अवेलेबल जो है जनवरी के 2025 में जो है मिलने वाले हैं। बाकी साइड से और बात करें तो यहाँ पर आपको जो है इसका एल्युमिनियम फ्रेम दिखाई देता है, रियर टायर आपको जो है कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, साथ साथ इसके अंदर मिलता है आपको चेन ड्राइव सिस्टम। सो कुछ इस तरह की ये वाली बाइक दिखाई देती है। बाकी इसकी सीट वगैरह के बारे में बात करें, काफ़ी लंबी सीट है। आई थिंक लंबी सीट का आजकल थोड़ा सा दौर चल रहा है, अभी हमने कुछ दिन पहले बजाज फ्रीडम में भी देखा था और अब जो है इस बाइक में भी आपको ये लंबी सीट देखने को मिलने वाली है। तो ये सारी बातें हुई इस मोटरसाइकिल के बारे में। तो अब बात करते हैं दूसरी मोटर प्रो के बारे में। तो वो मोटरसाइकिल यहाँ पर तो नहीं खड़ी है, लेकिन अगर उसके बारे में अगर बात करें तो उसके अंदर आपको 52 किलोवाट की पावर जो है मिलने वाली है और 105 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है उसके अंदर दिखाई देने वाला है। उसकी जो रेंज कंपनी क्लेम करती है वो क्लेम करती है 579 किलोमीटर, उसकी टॉप स्पीड है 194 किलोमीटर की। उसके अंदर आपको 10 इंच का TFT टच स्क्रीन डिस्प्ले जो है दिखाई देने वाला है और साथ ही साथ ड्यूल चैनल ABS उसके अंदर दिखाई देने वाला है और डिस्क ब्रेक भी आपको उसके अंदर जो है मिल जाने वाले हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल ओला बाइक, ये है रोडस्टर एक्सेस। इसके अंदर आपको अगेन 3 बैटरी पैक मिल जाते हैं, विच इज 2.5 किलोवाट, 3.5 किलोवाट और 4.5 किलोवाट आर में ये जो है मिल जाने वाली है। 75,000 रुपीज़ का एक शोरूम प्राइस आपको स्टार्टिंग का मिलने वाला है और 1,00,000 रुपये इसका जो है टॉप मॉडल का प्राइस आपको दिखाई देने वाला है। अब इसमें स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या दिखाई देने वाला है। कुछ इस तरह का आपको जो है इसका साइड एरिया जो है दिखाई देता है, यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर टायर साइज जो आपको दिखाई देता है वो 18 इंचेस का फ्रंट मिलता है, जिसके अंदर अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं और साथ ही यहाँ पर आपको दिखाई देता है इसके अंदर डिस्क ब्रेक और यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, LED इसके अंदर जो है फ्रंट हेडलैम्प इसके अंदर दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाती है एक LCD स्क्रीन पर। सीट आपको अगेन इस बाइक की भी लंबी दिखाई देने वाली है, लेकिन ऐसी कुशनिंग देखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड इसके अंदर दे रखी है। रियर सस्पेंशन कुछ इस तरह की आपको मिल जाते हैं और साथ साथ ये भी आपको सेम चेन ड्राइव सिस्टम के साथ ही मिलने वाली है। इसकी अगर रेंज के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको 200 किलोमीटर की रेंज मिलती है, जो कि टॉप वेरिएंट में आपको दिखाई देने वाली है। 124 किलोमीटर पर आर की इसकी टॉप स्पीड आपको दिखाई देने वाली है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इसके अंदर मिल जाता है, जो जिसमें फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको स्पोर्ट्स मोड, नॉर्मल मोड और साथ साथ इको राइडिंग मोड्स, ये आपको कुछ इसके अंदर मोड्स जो है दिखाई देते हैं। इसकी अगेन स्क्रीन के बारे में बात करें तो वो स्क्रीन का साइज 4.3 इंचेस का आपको दिखाई देने वाला है, जिसके अंदर आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन, जो कि ओला मैप नेविगेशन है, ये जो है बाइक है आपको काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे दिखाई देने वाली है। ओला ने सिर्फ ये 3 मोटरसाइकिल के अलावा भी काफ़ी सारे फ्यूचर मोटरसाइकिल के प्लान्स को बताया है, साथ ही अपने कृत्रिम AI असिस्टेंट को भी लॉन्च कर दिया और साथ साथ Generation 3 प्लेटफॉर्म को अपने जो है आज दिखा दिया है। फ्यूचर में आने वाली मोटरसाइकिल के बारे में भी आपको फ्यूचर में जल्दी से जल्दी देखने को टाइम सेक के सोशल हैंडल पे मिलेगा और साथ ही अगर इसकी प्राइस रेंज के बारे में बात करें तो 75,000 रुपीज़ से लेकर 2,49,000 रुपये तक इन तीनों मोटरसाइकिल की प्राइस रेंज रहने वाली है। इसमें जो 2 मोटरसाइकिल है रोडस्टर और रोडस्टर एक्स, उनकी डिलीवरी जो है आप इस जनवरी से मिलना स्टार्ट हो जाएगी और साथ साथ रोडस्टर प्रो की आपको डिलीवरी जो है नेक्स्ट दिवाली यानी कि 26 की दिवाली तक जो है मिलने वाली है। बाकी इन तीनों ही मोटरसाइकिल की बुकिंग्स आप अभी से करा सकते हैं, ऐसा ओला ने कहा है। आज के इस टाइम ड्राइव शो में बस इतना ही, लेकिन आज के शो में दिखाई गई कहानियों से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह ऑलवेज वियर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग, ऑलवेज वियर हेलमेट व्हाइल राइडिंग, ड्राइव सेफ, राइड सेफ। थैंक यू ज्वाइनिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू ET Now Swadesh।